राजस्थान के बाराछिपाप डॉट से छबड़ा जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत बम्बोरी घाटा के राजकीय विद्यालय में स्टाफ की कमी एवं बाउंड्री वाल और कमरों की समस्याओं को लेकर छात्र छात्राओं ने, ग्रामीण और अभिभावकों ने सरपंच प्रतिनिधि महावीर धाकड़ के नेतृत्व में सड़कों पर उतर गए हैं। इस दौरान दोनों साइडों पर करीबन 1 से 3 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। छात्र छात्राओं ने बताया कि विभिन्न समस्याओं को लेकर आज छबड़ा छिपाप डौद मार्ग को जाम कर दिया है, क्योंकि विद्यालय में कमरों की कमी, स्टाफ की कमी, चार दीवारी न होने के कारण मवेशी आते जाते रहते हैं, जिससे कभी भी घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। इस समस्या का समाधान हेतु उच्च अधिकारियों को 3 से 4 बार बताने के बावजूद आज तक समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है, इसलिए रोड जाम किया है। हालांकि आपको बता दें कि छिपाप डॉट पुलिस थाने से स्टाफ और शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। बमोरी घाटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल नामांकन 282 होने के बाद भी वहां पर मात्र 3 ही कमरे बने हुए थे, जिसमें भी उच्च माध्यमिक विद्यालय होने के बाद भी साथ ही 282 छात्र छात्राओं के नामांकन होने के बाद यहाँ का महाविद्यालय 3 ही कमरों में चल रहा है। जी नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह सिरोहिया, आप देख रहे हैं टीवी भारती न्यूज। आज ग्राम पंचायत बमोरी घाटा पर सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं, ग्रामीणों ने और अभिभावकों ने मिलकर के यहाँ पे जो स्कूल की जो मेन समस्या है उसको लेके यहाँ पे आंदोलन, धरना, प्रदर्शन चल रहा है। हम जानना चाहते हैं इस छात्र से कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं और इनकी क्या मजबूरी है जिसको लेके आज ये रोड पे आई है, ये बताए क्या यहाँ के स्कूलों, छात्र छात्राओं की प्रमुख समस्या है कि 12वीं तक स्कूल होने के बावजूद 2 ही कमरों में सीमित है। वहीं स्कूल में 4 दीवारी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं का और जानवरों का उसमें जमावड़ा लगा रहता है, गंदगी का ढेर यहाँ के स्कूल में लगा रहता है। हमारे साथ ही सरपंच प्रतिनिधि महावीर धाकड़ से जानना चाहते हैं कि आखिर मांगें क्या है, सरपंच साहब क्या मांग रहे हैं। आपको दिया तो आप इससे क्या संतुष्ट है, धरना खत्म हो जाएगा? अब ये धरना आप समाप्त कर रहे हो? हम धरना समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद में कोई आपका अल्टीमेटम होने का कुछ भी स्थिति है? इन्होंने अप्रैल की घोषणा की है और देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।